दुखदायक खबर अमृतसर तो सामने आई है, जिथे एक नौजवान की गोली लगन के कारण मौत हो गई है ते दूजे नौजवान की हालत गंभीर दसी जा रही है। यह झगड़ा अमृतसर के खालसा कॉलेज के सामने होया सी ते दो धिरां च लड़ाई हो गई सी ते गोलियां चल गई जिस च दो नौजवानों नू गोलियां लगिया सन जिस च एक दी हुण मौत हो चुकी है। मृतक नौजवान दे तीन गोलियां लगिया सन, एक पेट च ते दो छाती दे विच ते जख्मां दी ताब ना चलदा होया नौजवान अपने मापिया तो हमेशा हमेशा लई दूर हो गया। हालांकि दूजे नौजवान की हालत अजे गंभीर दसी जा रही है क्योंकि उसके पेट च गोली लगी है। यह झगड़ा एक कुड़ी की फोटो दूजे मुंडे नाल हुण करके होया जिस च गोलियां चलिया ते यह दो नौजवान उन्हां गोलियां लगन कारण गंभीर रूप च जख्मी हो गए जिन्हां नूं अस्पताल भर्ती करवाया गया। मृतक नौजवान का नाम लवप्रीत है ते उसके जाण तों बाद उसके परिवार वालियां दा रो रो के बुरा हाल है। कुछ भी नहीं पता, सिर्फ पता गड्डियां लगियां सी के आवाज आई गोलियां दी, बस गोलियां दी आवाज आई है। आप घबरा गए तो मुंडे इधर भज गए, दूसरे उधर भज गए। किन्नियां गोलियां चलियां ने? जां तीन जां चार। ते बची है किसे नूं गोली? जी गोली बची है, देखो तुहानूं खून ते निशान खा रहे हैं। बची है सारे खून निकला। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਹੀ ਜੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ मेरे चाचा जी का लड़का जी, मेरा नाम रणजीत सिंह है, लवप्रीत है मेरा ब्रदर जिहड़ा इस दुनिया तो हुण नहीं रहा है, जिहदे तीन गोलियां लगियां ने। वैसे जद्दी पिंड साडा जिहड़ा हैगा आ उह साडा डुल्ट पिंड पैंदा आ, लवप्रीत डुल्ट दे नाम दे नाल इह हैगा जी फेमस फेसबुक दे उपर भी। डुल्ट डुल्ट खालसा कॉलेज अपने दोस्त नाल एडमिशन दे लई आया जी, एडमिशन दे परपज दे लई आया जी। पता नहीं, वो मुंडा जोबनप्रीत कह रहा जिहड़ा बच गया उस गोली तो भी लगी आ, वो कह रहा है कि वो मुंडा इहदा नाम रविंदर आ, वो जंडियाले दे मुंडे आ, मैं उन्हां नूं जानदा आ, वो पंज जणे ही जिन्हां ने गोलियां चलाईयां ने। ये दो जणे ही हैगा जी पिस्टल इन्हां कोलों, इन्हां को फायर दा मौका ही नहीं मिलिया इन्हां को फायर करन दा, उन्होंने पहले ही गोलियां चलाईयां। झगड़े का कारण यही है, कहिंदा जिहड़ा नाल दा मुंडा सी जोबन उहदी कोई वो मुंडे दे नाल लगतबाजी सी कि तीन दिन पहला भी गलबात कोई होई ही, उह ते हो गई इन्हां दे आपस में सुलह सफाई, उस तो बाद पता नहीं इन्होंने विच मन च की आया है, अज फिर वो मुंडे दे नाल वो तू तू मैं हुई इन्हां दी। फिर किन्ने लोग है जिन्हां नूं गोलियां लगियां, जख्मी किन्ने लोग होए? जख्मी लवप्रीत दे तीन गोलियां लगियां, जिहड़ा कि साथ छड्ड गया इस दुनिया तों, कि जोबनप्रीत दी एक गोली लगी है। हाँ जी रणजीत सिंह, जोबन की हालत ठीक है, स्थिर है, वैसे बोलता है। प्रशासन को यही मांगते हैं कि लगातार जिहड़ा गैंगस्टर वाद वध रहा है, जां गुटां दे विच आपसी रंजिशबाजी चल रही है किसी भी तरह लैके, ये खत्म होना चाहिए है कि जिहड़े जिन्हां ने फायरिंग की है, चंद सिंह मेरे ब्रदर नूं गोलियां मारियां, मैं चाहना है कि सानू इंसाफ मिले, उन्हां तो सख्त तो सख्त कार्रवाई। आरोपी जंडियाले दे मुंडे ने, जंडियाले दे मुंडे ने, एक मुंडे दा नाम रविंदर आ, नाल उहदे नाल पंज जणे होर ही, उह छे जणे नहीं। लड़की दा कोई इस बारे मैनूं कोई पता नहीं है, जिन्ना मैनूं पता है क्या हालात पंजाब दे दिन दिन बदतर हो जा रहे ने, है ना, कि आपां चाहुंदे आ कि सरकार ही कोई सख्त कदम चुके इन्हां दे बरखिलाफ, तां फिर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। किहदी ते सवार सी जदों इन्हां दे नाल लाया, इह करते जांदे पए सी, कोई कार सी जां इन्हां कोल गड्डी ही, नाल दे मुंडे कोल एक्टिवा ही, इह गड्डी ते गया ही उहनूं मिलण वास्ते। पंजाब दे सरकार नाल की चीज़ है,
जिस तरह मैं हालात वेख रहा सरकार नाम की की चीज़ है, प्रशासन की कर रहा, कोई कार्रवाई इन्हों के बरखिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। आप चाहते कि सानू इंसाफ मिले। हाँ, ये पहला रैसलिंग भी करता रहा, बाद जॉब मिलने तो बाद फिर इन्हें रैसलिंग छड़ दी ही, पोस्ट ग्रेजुएशन इन्हें की हुई है, एच डी एफ सी जॉब करता जी, उम्र यदि 24 साल है। तो मे बी ओ भी 23 साल 22-23 साल की उम्र। देखो दो पेशेंट आए थे यूनिवर्सिटी के आस पास, कहते कोई गनशॉट का इंसीडेंस होया, सो दोवें सीरीयस हालत के हॉस्पिटल के आए थे, उन्होंने एक दी तो जी विद इन हाफ एन आवर जो डैथ हो गई। बहुत कोशिश की डॉक्टर्स की टीम ने रिवाइव करन दी, पर उहदे गोलियां ज़्यादा लगी हुई सी, एक या दो गोलियां उहदे पेट च सी और एक गोली छाती दे विच सी, सो ही डाइड। जिहड़ा दूसरा मरीज हैगा वह उन्हां दे पेट दे विच गोलियां लगियां हुईयां और वह भी सीरीयस हालत दे विच है, उन्हां दी आंतड़ियां जिहड़ियां ने वह फट गईयां और हुण उन्हां दी इमीडिएटली एमरजेंसी सर्जरी जिहड़ी है उहदे वास्ते ऑपरेशन थिएटर दे विच शिफ्ट कीता गया। हाँ जी, उन्हां दी हालत भी क्रिटिकल। एक्चुअली जो गनशॉट होंगे ना तो बाहरों तो जख्म छोटे होंगे, जिन्होंने वूंड ऑफ एंट्री कह लो, एक वूंड ऑफ एग्जिट होंगे जो गोली बाहर निकलती है, पर जो वो रस्ते दे विच डैमेज करती है ना, वो जिस तरह एक बम ब्लास्ट होंगे बॉडी के अंदर, जिस तरह ब्लास्ट हो जाता उस तरह वो डैमेज करती है जी गनशॉट। जिहड़ा अपना खालसा कॉलेज के बाहर जी है स्टूडेंट्स के नॉर्मल जी है आम स्टूडेंट लाइफ के जी लड़ाई होंगी है वो ही सामने आई है इन्वेस्टिगेशन के हद तक। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो खालसा कॉलेज का एक सीगा पढ़ता सीगा वो किसी मतलब दो दूसरे मुंडे के नाल कोई सी गलबात सी लड़ाई की सी, इस गल जी है गोली चली है खालसा कॉलेज बाहर, ये तो अनफॉर्चुनेटली अमनदीप हॉस्पिटल के डैथ हुई है, लवप्रीत भी हुई है जी। इस संबंध में असी 300-161 नंबर जो मुकदमा है सदर कंटोनमेंट के जोड़ा है अमृतसर दर्ज कर लिया 302-307 दोषी जी है भाल करके जल्दी अरैसट कर लिया। नहीं, कोई गैंगवार की नहीं हैगी हूँ तक जी भी असं इन्वेस्टिगेशन की है, जो भी मौके पर हैगी है ये कोई किसी तरह की कोई गैंगवार की कोई गल नहीं हैगी, ये सिंपल जो स्टूडेंट लाइफ के जिदा ग्राउंड पर लड़ाई झगड़े होंगे ने वो जरूर है, बट इत कोई गैंगस्टर की या कोई गैंगवार की कोई ऐसी ही गल नहीं। मैं तो माध्यम राय कलैरिटी करना कि नॉर्मल एक जी लड़ाई होंगी है स्टूडेंट लाइफ के उही है। कोई लड़की का मामला दसा जा रहा है? देखो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, ये सारिया ऑपरेशनल गल्ला ने डिस्कलोज की। गोलियां जिहड़ियां सानू मौके तो जिहड़ियां हैगियां चार कोल बरामद होए ने, बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सीसीटीवी सामने देखो सारे ऑपरेशनल है, मैं तुहाडा डिटेल्स